हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी घरों पे अपने फिट एंड फाइन होंगे। स्टडी वगैरह आपकी अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 7 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग वहां से डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो मेरा टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिए, मेरी जितनी भी डेली स्पेशल क्लासेस होती हैं उन सब के लिंक टेलीग्राम पर ही मैं शेयर करवाता हूं, इसलिए टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, इस बात को एश्योर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आखिर तक आपको देखना है हर एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ विल सेट अप हाउ मैनी ऑक्सीजन प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। डीआरडीओ के द्वारा पूरे देश भर में कितने ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना करी जाएगी। डीआरडीओ ने फैसला लिया है कि देश को 500 ऑक्सीजन प्लांट्स डीआरडीओ देगा, और 500 में से 5 ऑक्सीजन प्लांट अभी हाल ही में इंस्टॉल भी कर दिए गए हैं दिल्ली के अंदर। बहुत जल्दी इनकी फंक्शनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और खुशी की बात यह है कि इनका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा है, उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा निकला है। डीआरडीओ ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं इनमें इतनी पावर है कि ये पर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितने? 1000 लीटर O2। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। पहली बार भारत में इस तरीके का एक्शन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए देखने को मिला है किसी राज्य सरकार या यूटी सरकार का। क्वेश्चन का मतलब यह है कि कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिसके द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है कि यहां पर जिन लोगों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है वो लोग सीधे वेबसाइट पे जाके ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए बुकिंग कर सकते हैं। आप एक बार ये बुकिंग करोगे आपके घर में सिलेंडर भेज दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा तो आपको वेटिंग में ये दिखाएगा। एक बार ऑक्सीजन सिलेंडर आपका कंफर्म हो गया तो आपके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा, या फिर आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पे इस हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर कलेक्ट कर सकते हैं। ये है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार। दिल्ली सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है ऑक्सीजन सिलेंडर बुकिंग के लिए। यहां पर बुकिंग करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो चीजें आपको बता देता हूं क्या क्या है। आधार की आपको जरूरत पड़ेगी, जो पेशेंट है उसकी कोविड रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उस पेशेंट का फोटो आईडी आपको अपलोड करना होगा। ये तीन चीजें आपको यहां पर अपलोड करनी होगी और आपका ऑक्सीजन सिलेंडर बुक हो जाएगा। दिल्ली में गवर्नर कौन है? अनिल बैजाल। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार है और गवर्नर है बेबी रानी मौर्या। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। क्वेश्चन का मतलब आम भाषा में ये आप समझ लो, इनमें से कौन से मिनिस्टर हैं जिसके द्वारा पहली सप्लाई लॉन्च करी गई है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे जो कुकिंग ऑयल है आप उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब इसको आप डीजल में सीधे सीधे परिवर्तित कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी अभी सक्सेसफुली लॉन्च करी गई है। किसके द्वारा ये लॉन्च करी गई है? पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान। और आपको पता है ये डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल के द्वारा ये डेवलपमेंट अभी हाल ही में किया गया है। इंडियन ऑयल का जो दिल्ली टर्मिनल है उन्होंने ऐसा करके दिखाया है कि अब यूज्ड कुकिंग ऑयल जो होगा वो हमें बचाना होगा। और ये जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, देखिए जो यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है एक सर्टेन टाइम के बाद उसको फेंक दिया जाता है, तो उसको अगर आप बचाते हो तो उसका यूज बायोडीजल में हो सकता है आगे चल के। भारत सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि आने वाले टाइम में 2030 तक हमें 5% डीजल का आंकड़ा इस हिसाब से छूना है। मतलब कहने का कि 2030 तक हम ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि पूरे देश में जितने भी डीजल की खपत है उसमें से एटलीस्ट 5% हम इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकें। अगर ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारी कॉस्ट बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइटेड हाउ मेनी साइट्स इन कंट्री टू इंस्टॉल मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट फॉर स्टेट। भारत सरकार के द्वारा पूरे देश भर में कितनी ऐसी जगह स्पॉट करी गई है, मतलब कितनी ऐसी जगह साइट स्पॉट करी गई है जहां पर भारत सरकार मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर रहे हैं राज्य सरकारों के लिए। भारत सरकार के द्वारा पूरे देश भर में 581 साइट्स देखी गई हैं जहां पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे।
जो कि भारत के हर एक राज्य को एमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। ध्यान रखिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो 581 साइट और ये जो आपने पहला क्वेश्चन देखा है डीआरडीओ वाला, दोनों अलग अलग बातें हैं। डीआरडीओ ने फैसला लिया है कि ये 500 ऑक्सीजन प्लांट अपनी तरफ से लगाएंगे पूरे देश भर में। भारत सरकार ने अभी केवल साइट्स देखी है, तो अगर साइट्स की बात करें तो आंसर ध्यान रखिएगा 581 ही होगा। ओके, अब इसमें से ऐसा हो सकता है कि 581 में से 500 साइट्स पर डीआरडीओ काम करे और 81 साइट का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया जाए। फिलहाल आपको ध्यान रखना है 500 ऑक्सीजन प्लांट डीआरडीओ लगा रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ने अभी जैसे 5 प्लांट केवल दिल्ली के अंदर ही लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कहने का कि कई जगह ऐसी भी हो सकती है जो कि जहां पर बड़ी अर्जेंसी के चांसेस हो सकते हैं, वहां पर दो दो प्लांट भी लगाए जा सकते हैं डीआरडीओ के द्वारा। तो अल्टीमेटली आप ऐसे समझ लो सीधा सा कि डीआरडीओ को 500 प्लांट लगाने हैं और भारत सरकार के द्वारा 581 जगह देखी गई है जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपको बता दूं एनएचएआई को दे दी गई है। किसको? एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इनकी जिम्मेदारी होगी कि हाईवे के किनारे पर वो जगह देखें जहां पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करी जाएगी। ओके, और साथ में ये जो प्लांट स्थापित किए जाएंगे इन 581 साइट्स में, इन सभी साइट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ही होगी, नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंडर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर इन द कंट्री हैज बीन टेस्टेड इन विच स्टेट और यूटी। अभी हाल ही में भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का निर्माण किया गया है और इसको सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है, कौन से राज्य या यूटी के अंदर। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक से चलने वाला ट्रैक्टर सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बुधनी। क्या नाम है? बुधनी। और बुधनी के अंदर सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, यहां पर इसको लॉन्च किया गया है। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किसके हाथ में है? नरेंद्र सिंह तोमर इसके हेड है। बाय द वे, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1955 में करी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के अंदर बुधनी जिला और बुधनी जिले के अंदर सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है। मार्केट में बहुत जल्दी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आज के सभी क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको इन शॉर्ट ओईसीडी बोलते हैं, आपसे कह रहा है ओईसीडी के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में एफडीआई का टॉप रेसिपिएंट कौन सा देश था, मतलब कहने का ये कौन सा कंट्री है जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हुआ है 2020 में। टॉप किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने, नंबर वन पोजीशन में। नंबर दो पे अमेरिका रहा है और नंबर तीन पे भारत रहा है। आपको पता है चाइना ने इस बार सरपास कर लिया है अमेरिका को। जिन लोगों को एफडीआई का मतलब नहीं पता है वो लोग यहां पर देखे इन शॉर्ट। जैसे मान लीजिए भारत है, एफडीआई का मतलब ये होता है, ये भारतीय बाजार है। मान लीजिए इस भारतीय बाजार में दुनिया भर की कई सारी कंपनीज पैसा लगाती हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट करती हैं। अब ये जितने भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, ये जितना पैसा भारतीय बाजार में लग रहा है ये सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। बात आई समझ? सो दैट इज कॉल्ड एफडीआई। तो ये कौन सा देश है जिसमें 2020 में सबसे ज्यादा पैसा दुनिया भर की इंडस्ट्रीज से लगाया गया? आप आम भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हो, मतलब एफडीआई सबसे ज्यादा किसका रहा? चाइना का। चाइना का एफडीआई कितना रहा? चाइना ने कितने की ट्रेडिंग करी है? 212 बिलियन की ट्रेडिंग करी है। अमेरिका की अगर बात करी जाए तो ध्यान रखना है 177 बिलियन की ट्रेडिंग करी है और भारत में 64 बिलियन की ट्रेडिंग हुई है, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है। तो आप देख रहे हो चाइनीज मार्केट एक ऐसा मार्केट रहा है 2020 में जिसमें सबसे ज्यादा पैसा दुनिया भर की कंपनीज ने लगाया हुआ है। ओईसीडी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। इसकी स्थापना 1961 में करी गई थी और इसके सेक्रेटरी जनरल इस टाइम पे कौन है? इनका नाम है एंजेल गुरिया। क्या नाम है? एंजेल गुरिया। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट सेड नो टू होम फॉर स्पेशल वेलफेयर कोटा। इनमें से कौन है जिसको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया है कोटा देने से? सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मना कर दिया है कोटा देने से। किसको? मराठास को। आपको जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस फुल कोर्स में है, तो वहां पर मैं आपको समझाता हूँ
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371 का जो सेकंड पार्ट है, मतलब जो सब पार्ट बी है, उसमें क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड एप्लीकेबल टू स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 1960। मतलब 1 मई 1960 से गुजरात का वो हिस्सा जिसको कच्छ के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र का वो हिस्सा जिसको मराठावाड़ा के नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर मराठा ही आजकल पिछड़ों में गिनती करी जाती है मराठा समाज की, क्योंकि आपको बता दूं महाराष्ट्र के अंदर 64% करीब आबादी मराठाओं की है, और इन 64% में से 90% से ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब आप समझ लीजिए, मराठाओं की ही वजह से महाराष्ट्र जाना जाता है और वहां पर मराठाओं की ही ये कंडीशन है कि 90% से ज्यादा मराठा बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 बी में कहा भी गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोटा के लिए नो कर दिया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मराठास जो है इनको सोशल ट्रीटमेंट, स्पेशल सोशल ट्रीटमेंट और एजुकेशनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, उनकी स्थिति एजुकेशनली और सोशली सही है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम पे सीजीआई कौन है? अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है। ये कौन है? इनका नाम है नाथुलापति वेंकट रमन। क्या नाम है? नाथुलापति वेंकट रमन। और ये भारत के कौन से सीजीआई हैं? ये भारत के 48वें सीजीआई हैं। इन्होंने सक्सीड किया है किसको? शरद अरविंद बोबडे को। ये भारत के 47वें सीजीआई थे। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, सभी लोग ध्यान रखिए, डेली सुबह 5 बजे जो स्टैटिक जीके की सीरीज आ रही है, ये सीरीज आपको जरूर कवर करनी है। रेशु मैम ये सीरीज चला रही हैं मेरी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि आप लोगों को स्टैटिक जीके की सीरीज चाहिए थी, मेरे पास इतना समय नहीं होता है, वो इस सीरीज को चला रही हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस सीरीज के बारे में अवगत कराना मेरा काम है। सुबह 4 बजे मेरे करंट अफेयर आते हैं, उसके 1 घंटे बाद 5 बजे मैडम की क्लास आती है, जिसमें वो डेली स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन आपसे शेयर करती हैं। इन 10 क्वेश्चन में इतनी नॉलेज होती है कि ये आपके ऑटोमेटिक 30 से 40 क्वेश्चन का काम करते हैं। विश्वास मानिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप इस सीरीज को नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो जब पेपर हो उस टाइम पर आप पछताएं कि आपने मुफ्त में कितना बेहतरीन कंटेंट छोड़ दिया है। ये मुफ्त में अगर कंटेंट मिल रहा है तो इसकी रिस्पेक्ट करिए, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम पे आपको उस टाइम पर अफसोस करना पड़े। ध्यान रखिए, ये स्टैटिक जीके आपके काम के लिए है, जरूर इसको अटेंड करिए, आप खुद डिफरेंस देख लोगे कितना ज्यादा है। और ये जो सीरीज है, इसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए जितनी जल्दी हो सके। ध्यान रखिएगा, फुल जीएस जीके का कोर्स आज 7 मई है, आज से स्टार्ट होने जा रहा है अनअकैडमी प्लस में। आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं, केवल 6 से 8 घंटे हैं, आप इसको अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन लेकर। 1777 डिस्काउंट कोड है, अगर आप इसको लगाते हैं तो 10% का फी में डिस्काउंट मिल जाएगा। इस टाइम पर ऑफर भी चल रहा है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 महीने का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और 2 साल का लेते हो तो 4 महीने का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, और आज दोपहर 3 बजे से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो फुल जीएस जीके कोर्स में अनअकैडमी प्लस में। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड आईवी जैस टैबलेट रिसेंटली? इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा आईवी जैस टैबलेट अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है? ये कंपनी है बजाज हेल्थ केयर। इन्होंने आईवी जैस टैबलेट कोविड पेशेंट्स के लिए लॉन्च करी है। ध्यान रहे, आईवी जैज को भारत सरकार की तरफ से परमिशन दे दी गई है मार्केट में, और ये टैबलेट फाइनली मार्केट में आ चुकी है। इस टैबलेट को डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इनकी टैबलेट्स हैं। बजाज की अगर बात करें तो हेल्थ केयर की स्थापना 1993 में करी गई थी। बजाज हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस टाइम पे साजन कुमार। क्या नाम है? साजन कुमार। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूरेनियम्स लाइटेस्ट फॉर्म, जिसको यूरेनियम 214 के नाम से जाना जा रहा हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में कौन सा देश है जहां पर यूरेनियम की आज तक की सबसे हल्की फॉर्म को डिस्कवर कर लिया गया है, जिसका नाम है यूरेनियम 214। यूरेनियम की लाइटेस्ट फॉर्म अभी हाल ही में डिस्कवर करी गई है चाइना में, और चाइना में भी कहां पर? चाइना में एक लैब है जिसका नाम हैवी आयोन रिसर्च लैब। ये कहां पर पड़ती है? ये चाइना का एक शहर है लैंजोउ में। कहां पर? लैंजोउ में पड़ती है। तो वहां पर इसको डिस्कवर किया गया है चाइनीज साइंटिस्टों के द्वारा। आपको पता है ये जो यूरेनियम की 214 हल्की फॉर्म, अभी तक की सबसे हल्की फॉर्म डिस्कवर करी गई है। इसकी खास बात यह है कि पुराना जो यूरेनियम का फॉर्म है उससे
30 ज्यादा न्यूट्रॉन ये कंटेन्स कर सकता है। कितने न्यूट्रॉन ज्यादा कंटेन कर सकता है? 30 ज्यादा न्यूट्रॉन ये अपने पास रख सकता है, मतलब इसकी पावर ज्यादा रहेगी। ओके, हल्का होने के बावजूद चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, जापान की कैपिटल है टोक्यो, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, एक किताब अभी न्यूज में चल रही है, इस किताब का नाम है द बेंच। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब की ऑथर है मेघन मार्कली। क्या नाम है? मेघन मार्कली। मेघन मार्कली कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, और ये जो किताब इन्होंने लिखी हुई है द बेंच, ये बच्चों के लिए बेसिकली किताब लिखी गई है, ठीक है? तो ये अभी न्यूज में चल रही है, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी बुक्स आती हैं, मुश्किल से आप ये मान लो 1 महीने के अंदर 8 से 10 बुक इंपॉर्टेंट वाली आती है, तो उनको ध्यान रखने की कोशिश किया करिए। अगला क्वेश्चन भी बुक से रिलेटेड है, ये बुक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल बुक है। किताब जिसका नाम है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, ये किताब न्यूज में चल रही है, किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है दीप हल्दर के द्वारा। किसके द्वारा? दीप हल्दर के द्वारा। हालांकि ये किताब कमिंग सून है, बहुत जल्दी बाजार में किताब आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि अगले महीने तक ये बाजार आ जाएगी, ये किताब बाजार के अंदर आ जानी चाहिए। ये जो किताब है, आपको नाम से ही पता लग रहा है, बंगाल में जो अभी विधानसभा के 2021 के इलेक्शन पूरे तरीके से संपन्न हुए हैं, उन्हीं के ऊपर कई सारे खुलासे करने वाली है ये किताब, तो इस वजह से हॉट फेवरेट है मार्केट में किताब, और ये किताब अमेजोन पर प्री बुकिंग इसकी चल रही है बहुत पहले से, तो ध्यान रखिए अगले महीने लॉन्च होने वाली है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। किसकी किताब है? दीप हल्दर की किताब है। दीप हल्दर की ये दूसरी किताब है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने पहली किताब 2019 में लॉन्च करी थी। इनकी पहली किताब का नाम था ब्लड आइलैंड। क्या नाम था? ब्लड आइलैंड। अगला क्वेश्चन है, चौधरी अजीत सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया, आप सभी को पता होगा, ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, म्यूजिशियन थे या पोइट थे? चौधरी अजीत सिंह, जिनका अभी निधन हो गया, ये राजनीतिज्ञ थे। कोविड की वजह से इनका देहांत हो गया। आपको पता है ये किनके बेटे थे? इनके पिता लेट चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह, जी हाँ, ये वही हैं जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जी 1979 से 80 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ओके, एंड अजीत सिंह जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था 1986 में, तब ये राज्यसभा मेंबर बने थे, तो काफी लंबा इनका पॉलिटिकल करियर रहा है। अब अभी हाल ही में इनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये क्वेश्चन सुन के आपको मजा आ जाएगा, काफी यूनिक क्वेश्चन है ये और यूनिक इन्फॉर्मेशन भी है जिसका काफी टाइम से इंतजार हो रहा था। ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने अभी हाल ही में स्पेस टूरिज्म फैसिलिटी लॉन्च कर दी है? मतलब आम भाषा में आप ये बोल सकते हो, ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जो कि अब लोगों को अंतरिक्ष घुमाने की फैसिलिटी स्टार्ट करने वाली है? ये है जेफ बेजोस की कंपनी जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस के द्वारा कल के दिन अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि ब्लू ओरिजिन आने वाले 20 जुलाई 2021 से स्पेस टूरिज्म फैसिलिटी स्टार्ट कर रही है, और पहला क्रू जो जाने वाला है वो कौन से रॉकेट से जाएगा? ये स्पेशल रॉकेट बनाया गया है जिसका नाम है शेफर्ड रॉकेट। क्या नाम है? शेफर्ड रॉकेट। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कौन सा रॉकेट यूज कर रहा है ब्लू ओरिजिन? इसका नाम है शेफर्ड रॉकेट। इस रॉकेट के अंदर कितने पैसेंजर्स की फैसिलिटी है? 6 पैसेंजर्स इसके अंदर जाएंगे, ओके, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए। इसका टिकट कितने का है? तो जेफ बेजोस ने आंसर दिया ये पूछे जाने पर कि इसका टिकट कितने का भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि ब्लू ओरिजिन इसके टिकट्स ऑक्शन करेगी मार्केट में, मतलब इनकी बोली लगाई जाएगी पूरी दुनिया भर से। तो देखने वाली बात यह होगी कि कितने में किसको टिकट मिलता है, आपको इसकी बोली लगानी पड़ेगी। तो मिलियन ऑफ डॉलर्स में जाहिर सी बात है इसका टिकट बिकेंगे। देखने वाली बात यह होगी जुलाई में पता लगेगा ये 6 लोग कौन हैं जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रहे हैं ब्लू ओरिजिन की स्पेस टूरिज्म फैसिलिटी से। 20 जुलाई को ही क्यों चुना गया है जेफ बेजोस के द्वारा? क्योंकि 20 जुलाई को नासा का अपोलो 11 मून लैंडिंग एनिवर्सरी मनाई जाती है, इस वजह से उस दिन को यादगार बनाने के लिए उस एनिवर्सरी पर स्पेस टूरिज्म फैसिलिटी स्टार्ट करी जा रही है। बाय द वे, ब्लू ओरिजिन की स्थापना साल 2000 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और इसके मालिक कौन है? जेफ बेजोस। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर केवल एसएससी ही नहीं, किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप वरुण 777 कोड का अगर यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट 10% मिल जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो, आज की बात यहीं तक।